टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में शादी के 16 साल बाद तीन तलाक का मामला सामने आया। आरोप है कि महिला का पति ससुराल पक्ष पर 50,000 रुपए और बाइक के लिए लगातार दबाव बना रहा था। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। एसएसपी दफ्तर में न्याय की गुहार लगाने पहुंची, जिस महिला को आप देख रहे हैं ये तीन तलाक पीड़ित शबाना है। शबाना का निकाह 11 मई 2003 को गौतम बुद्ध नगर के गांव रघुपुरा में शौकीन के साथ हुआ था। ये मामला है, मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे पति ने मुझे मारपीट कर मेरे वापन के सामने मुझे तीन तलाक दे दिया और दहेज की मांग की थी उसने। अब शुरू से अब क्या कहने कप्तान? मैं तो यहाँ से न्याय चाहती हूँ और क्या मैं उसने दूसरी कल लाया अब यहाँ से। अच्छा, कब हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी 2003 में 11 मई। आरोप है कि महिला का पति शौकीन शबाना के घर वालों से दहेज में 50,000 रुपए और बाइक की डिमांड कर रहा था। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शबाना के साथ मारपीट की जाती थी। इतना ही नहीं, शबाना के साथ उसके जेठ ने भी रेप की कोशिश की और घर से निकाल दिया। शबाना आज एसएसपी संतोष कुमार से मिली और आप बीती सुनाई। ये कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की एक महिला ने आकर के एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी शादी गौतम बुद्ध नगर में हुई थी, पति ने उसका त्याग कर दिया था और तीन तलाक दे करके उसने दूसरी शादी कर ली है। उसकी तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शबाना ने यह भी बताया कि उसकी दो पुत्रियां हैं, वो तीसरी पुत्री को जन्म न दे दे इसलिए ससुराल वालों ने उसका गर्भपात भी करा दिया। एसएसपी ने तीन तलाक के इस मामले में एफआईआर का आदेश दे दिया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।